हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम समझने वाले हैं यूनिट नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। और ये चैप्टर जो है, इसके पहले मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और यूनिट नंबर 2 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज। यूनिट नंबर 2 का मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पार्ट में और इसके चार पार्ट में जो है ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये जो मटेरियल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मटेरियल है। ये मटेरियल रेगुलर स्टूडेंट्स भी रेफ़र कर सकते हैं और नैन्सी वेब के स्टूडेंट्स भी रेफ़र कर सकते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये मटेरियल यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में और इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, आपने जो सुना होगा, आपका जो जो सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, उसके अंदर ही हम ये पढ़ रहे हैं। और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, तो ये सब चीज़ों में, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, वो एक डिफरेंस ड्रॉ करके आपको बताने वाली हूँ मैं। और इसी के अलावा पॉलिटिकल थ्योरी जो होता है, पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि ये आपका जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, ये है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए अप्रोचेस क्या है, किस तरीके से इसको समझा जाता है, वो हम समझेंगे। एक होता है हमारा नॉर्मेटिव अप्रोच, एक होता है हिस्टोरिकल अप्रोच, एक होता है एम्पिरिकल अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोचेस को हम समझने वाले हैं। और नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर भी तीन अलग अलग टाइप के अप्रोचेस होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से होंगे। ठीक है, उसमें तीन अप्रोचेस होते हैं, वो है यूटिलिटेरियनिज्म, डीऑन्टोलॉजिकल लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म। तीन तरीके के जो है इसमें आपको अप्रोचेस देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं समरी, और इसमें एक्सरसाइज और रेफरेंस भी दिए हुए होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉलिटिकल साइंस आप जो पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है वर्ल्ड का। मतलब अभी जो साइंस है, जो इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन है, ये तो आपको 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से मिलता है सेंचुरीज़ में, लेकिन ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये आपको बहुत पहले से मिलता है। तो ओल्डेस्ट डिसिप्लिन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन माना जाता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, उसका रूट कब से है, एंशियंट ग्रीस से है। एंशियंट ग्रीस में, जहाँ पर ये एंशियंट ग्रीस में सबसे पहले ऐसा ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेवलप होता है। और अरिस्टोटले को कोई भी आपसे पूछता है, तो अरिस्टोटले को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अरिस्टोटले इज कंसीडर एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और उसने पॉलिटिकल साइंस में ही इन्फर्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ मास्टर साइंस। वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ मास्टर साइंस कहते थे। आपको ये भी पता होगा कि ही ऑल्सो सेड कि जो पॉलिटिक मतलब मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो जो मास्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन है मास्टर्स? उनके अकॉर्डिंग वो लोग हैं जो कि रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं एक स्टेट में। आपको पता है आजकल के ज़माने में जो पॉलिटिक्स जो है वो कौन करते हैं, लोग करते हैं जो कि हायर पोजीशन में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके लिए उनको लिटरेसी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, वो जो भी आपसे इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि इंडिया की स्पेसिफिकली बात करो, तो इंडिया में जो भी पर्सन इलेक्टेड है, वो आपके पॉलिटिकल डिसीजंस लेने वाले हैं पार्लियामेंट में बैठ के। तो उसमें आपको कोई भी मतलब लिटरेट पर्सन आपको ज़रूरी नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि आप इलेक्टेड होना चाहिए। तो ये मास्टर्स उन पीपल को रेफ़र कर रहे हैं जो रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं एक स्टेट के अंदर, क्योंकि एक स्टेट के अंदर जो डिसीजन होते हैं उसका पूरा इम्पैक्ट हर सिटीज़न पे पड़ता है, इसलिए वो उनको मास्टर्स रेफ़र कर रहे हैं। इफ़ अ थॉरो अंडरस्टैंड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन इज मेड, इट कुड बी सीन दैट इट वॉज डोमिनेटेड बाई फिलोसफी। देखिए, अभी अगर आप बात करें 18th century में, तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होने के कारण हर चीज़ जो है एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखी गई, और कहीं ना कहीं इसलिए जो है जो ह्यूमैनिटीज़ का जो स्कोप है वो ख़त्म होते जा रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। इट्स नॉट द केस, लेकिन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन होने के कारण कहीं ना कहीं सोसाइटी हर चीज़ को, जैसे कि आपने कोई भी वैल्यूज़ कहा, कोई भी एंशियंट वैल्यूज़ है, कल्चर है, तो उसको हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखने का एक हमारा जो है सोच बन चुकी है। इसलिए हम हर चीज़ को एक फिलोसॉफिकल तरीके से नहीं सोचते हुए,
साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब एंशियंट टाइम में जो हमें पॉलिटिकल साइंस के जो थॉट्स मिल रहे हैं वो फिलोसॉफिकल मिल रहे हैं। फिलोसॉफिकल मतलब ये कि आपको ये थॉट्स मिल रहे हैं कि किस तरीके से स्टेट होना चाहिए, हाउ स्टेट इज़ ऑट टू बी, हाउ स्टेट शुड बी, एक आइडियल कंडीशन क्या होगी स्टेट की। और साथ साथ उस टाइम पे जो रिलीजन थे, जो स्क्रिप्चर्स थे उस, और जो सुपरस्टिशंस थे, उससे भी जो है आपको देखने को मिलता है कि आपके जो उस टाइम का जो पॉलिटिकल साइंस के थॉट्स है वो उससे अफेक्टेड आपको मिलते हैं, ठीक है। और मैकेवली थे, मैकेवली आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैकेवली का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आप नोट कर सकते हो। उन्होंने एक स्टेट क्राफ्ट बनाया था जिन्होंने ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को जो सेपरेट करने का काम किया गया है फ्रॉम दी एथिक्स एंड रिलीजन, वो किन्होंने किया है, मैकेवली। इस मतलब उनका कहना है कि स्टेट क्राफ्ट जो है वो रिलीजन और एथिक्स से अलग है, हटके हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस, आप ये अक्सर हो सकता है कि इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके बीच में डिफरेंसेस हैं। तीन डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। और वो तीनों चीज़ें क्या होती है वो हम समझने वाले हैं। और अगर हम समझेंगे तो पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों चीज़ें को अगर आप कंबाइन कर लेते हो उससे आपका बनता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक सिंपल सी मैं आपको लैंग्वेज में समझाती हूँ कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी दोनों मिलके क्या बनता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लस, अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी में मिला लेते हो, क्या मिलाना है आपको, पॉलिटिकल थ्योरी। कभी भी ध्यान रखिए, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो होती है वो कैसी होती है, जो थॉट्स पे बेस होती है, जो चीज़ हो रही है वो नहीं, जो चीज़ होनी चाहिए कैसी होना चाहिए, हाउ स्टेट इज़ ऑट टू बी, वो चीज़ पे फोकस करती है पॉलिटिकल फिलॉसफी। और पॉलिटिकल साइंस जो होती है, पॉलिटिकल साइंस नहीं सॉरी, पॉलिटिकल जो थ्योरी होती है वो किस पे फोकस होती है, पॉलिटिकल थ्योरी फोकस होती है एम्पिरिकल फैक्ट्स पे। और ये जो है मतलब कैसे डेवलप होती है, ये देखती है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है ये, मतलब हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से देखी जाती है, इसमें कोई भी तरीके के थॉट्स नहीं है। जो चीज़ एक बहुत प्यारी बात कही थी एक जो है थिंकर ने कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वॉट, मतलब पॉलिटिकल जो थ्योरी होती है वो क्या है, रियल है। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वॉट इज़ रियल, और पॉलिटिकल जो फिलॉसफी होती है वो क्या है, वॉट इज़ आइडियल, मतलब आइडियल क्या है और रियल क्या है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसको अगर हम देखें तो वो क्या बनती है, मिलके हमारी बनती है पॉलिटिकल साइंस। दोनों चीज़ें मिलके आपकी बन जाएगी पॉलिटिकल साइंस, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद मूविंग अहेड, इसको हम आगे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अब इसके बाद हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो पहले जो बायफर्केशन था, ये जो बायफर्केशन हम आज देख रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी का और पॉलिटिकल थ्योरी का, ऐसा कोई बायफर्केशन था ही नहीं। ये कब हुआ, ये पॉजिटिविज्म के साथ हुआ। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म मतलब ग्रोथ हुआ ऑफ दी साइंटिफिक वैल्यूज, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे। तो हम इसका जो हमारा जो अप्रोच क्या रहेगा इसमें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे कि हम पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब समझ सकें, ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में समझ सकें, और ये समझ सकें कि क्या जो है इन अप्रोचेस का क्या यूज़फुलनेस है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो फाउंड हुई है अपॉन एम्पिरिसिज्म, कोई भी चीज़ आप उसमें साइंस वर्ड जोड़ रहे हो उसको आप पॉलिटिकल साइंस कह रहे हो, ये एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ एम्पिरिकल चीज़ें हैं। और पॉलिटिकल साइंस क्या क्लेम करती है, डिस्क्राइब करती है, एनालाइज करती है, एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट को एक इम्पार्शल वैल्यू फ्री मैनर में। मतलब आप अगर अभी बैचलर्स करते हो, मास्टर्स करते हो, पीएचडी करते हो, तो आप जो है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है, और आप पॉलिटिकल फिलोसोफर भी बन सकते हो, ठीक है। तो कैसे, क्या कैसे बन सकते हो आप, पॉलिटिकल साइंस के अंदर अलग अलग फील्ड्स हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है वो अलग अलग फील्ड से बनी है, पॉलिटिकल थ्योरी से बनी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी से बनी है। आप अगर जो है रिसर्च जिस बारे में करते हो आप उस चीज़ से रिलेटेड वो बन सकते हो। तो
तो क्या होता है, अब हम समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 जब तक ख़त्म होता है तो उसके बाद है ना हमको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी का जो है बायफर्केशन हमको बाद में देखने को मिलता है। पहले इस तरीके की चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं पॉजिटिविज्म जो है, यानी कि हर चीज़ को वैलिडेट करना थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स वगैरह, ये लेट ही स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में। इसलिए आपको ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो बायफर्केशन है ये आपको बाद में देखने को मिलता है। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में फिलोसफी, आइडियाज़ और वैल्यू जजमेंट जो है वो डोमिनेट करते थे, लेकिन 1950 1960 के अंदर स्ट्रॉन्गली यूएसए में एक नया फॉर्म हुआ पॉलिटिकल एनालिसिस का, जो कि बिहेवियरलिज्म पे बेस्ड था। व्हाट इज़ बिहेवियरलिज्म? बिहेवियरलिज्म पे बेस्ड था, इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलोसफी में हमको दिखता है कि भाई सिमिलर है, एक जैसी बातें दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिफरेंस होता है, और जो अपने आप को जो है पहले फिलोसोफर्स जो है या तो साइंटिस्ट बोलते थे, पहले जो है क्या कहते हैं, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता था वो अपने आप को फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा करते थे। पॉलिटिकल थ्योरी मोस्ट एक्यूरेट टर्म है जब हम इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की बात करते हैं। जो भी इंसान जो है क्या कहते हैं, इंसान अगर कोई भी एक इंसान है पर्टिकुलरली, और वो इंसान जो है किसी दूसरे इंसान को, एक उसकी दूसरे इंसान की जो सोसाइटी की जो लाइफ है उसको अगर वो देख पा रहा है, तो वो जो है पॉलिटिकल थ्योरी जो है बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो फुल फ्लैज पॉलिटिकल साइंस था, बिकॉज साइंस जो है कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट दी थ्योरी। देखिए साइंस जो है विदाउट थ्योरी के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर आप कोई चीज़ बोलते हो उसके पीछे आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, उसका बताना होगा, तो वो थ्योरी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती है, मतलब अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी यूज़ कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस के बदले में तो यूज़ की जा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी को आप पॉलिटिकल फिलॉसफी के बदले नहीं यूज़ कर सकते। वो क्यों, वो देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस ने अटेम्प्ट किया है क्रेडिबल जनरलाइजेशन देने के लिए रूल ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो है पॉलिटिकल फिनोमेना के साथ डील करती है। देखिए एक सिंपल सी मैं आपको बात समझाती हूँ। ये जो है पॉलिटिकल जो थ्योरी होती है और पॉलिटिकल जो फिलॉसफी होती है, दोनों के बीच में ये होता है कि हम अपने, दोनों में बहुत डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ, रियल और आइडियल। ये डिस्कस करेगी पॉलिटिकल थ्योरी की रियल क्या है, टेंजिबल क्या है, वो चीज़ों को डिस्कस करेगी, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी रहेगी वो फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शंस को डिस्कस करेगी, और वो बोलेगी कि बेस्ट तरीके से हम अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से, वो आइडियोलॉजी देगी, जैसे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, तो आइडियोलॉजीज देगी कि भैया हमको है ना क्या कहते हैं फ्री सोसाइटी होना चाहिए, कैपिटलिज्म, हमें जो है क्या कहते हैं फ्री होना चाहिए, सब लोग सब अपना मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट फ्री, लेस इज फायर। तो ये जो आइडियोलॉजीज है, ये जो आइडियोलॉजीज है, ये किसका पार्ट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आती है पॉलिटिकल थ्योरी, और पॉलिटिकल थ्योरी क्या डिस्कस करती है, पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस करती है अबाउट दी टेंजिबल असेट्स, जैसे कि पॉलिटिक्स के जो रूल्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करती है। अच्छी लाइफ जीना जो है वो एम है फिलॉसफी का, मतलब लाइफ का क्या एम है, एक अच्छी लाइफ कैसी जी जाए, ये जो है फिलॉसफी का एम होता है कि हम अच्छी लाइफ जिए। ये हमें सिर्फ सिखाती नहीं है कि किस तरीके की अच्छी लाइफ होती है, बल्कि हम बताती है कि किस तरीके से इस तरीके का स्टेट बनाया जाता है। अगर आपको कोई पूछे, मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगर आपको कोई पूछे कि हाँ हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो प्लेटो इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। और अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स नहीं हो गया, वैसे ये भी थोड़ा पास्ट हो गया, गांधी जी, औरबिंदो, टैगोर, और मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, अंबेडकर, जॉन रॉल्स, ये पॉलिटिकल फिलॉसफर्स थे, क्योंकि इन्होंने आइडियाज़ दिए थे, आइडियोलॉजीज दी थी। गांधी जी ने गांधीज़म दिया था, ठीक है, इस तरीके की जो आइडियोलॉजीज थी वो आइडियोलॉजीज़ को जो है हम इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स कह सकते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफी डिस्कस करती है कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट इट शुड बी, कैसा चीज़ें होनी चाहिए, और ये आइडियल, मैंने आपको पहले बताया ना आइडियल और रियल का डिफरेंस है। पॉलिटिकल फिलोसफी बताएगी कि भैया कैसा होना चाहिए, और पॉलिटिकल थ्योरी बताएगी कि क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिफाइन करेगी, पॉलिटिकल थ्योरी डिफाइन करेगी, और पॉलिटिकल फिलॉसफी पूछेगी कि बेस्ट स्टेट क्या है, ठीक है।
तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकल साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों भी, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या बताएगी कि व्हाट इज़ द स्टेट, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बताएगी कि हाउ इज द बेस्ट स्टेट। दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है। ट्रेडिशनलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है, ट्रेडिशनलिस्ट जो थे मतलब इसके पहले के ज़माने के जो लोग थे, मैंने कहा ना कि शुरुआती तौर पे जब थी, अरिस्टोटले के टाइम पे भी जब थी, तो पॉलिटिक्स का कोई डिवीज़न नहीं हुआ करता था कि पॉलिटिकल फिलॉसफी है पॉलिटिकल थ्योरी है, दोनों भी चीज़ें सेम है, आपस में सेम थी। तो इसलिए उस टाइम पे थ्योरी जो थी वही फिलॉसफी थी, कोई अलग से नहीं था। वो तो पॉजिटिविज्म आया ना उसके साथ, मतलब जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, साइंटिफिक चीज़ें आने लगी, तो कुछ कॉन्क्रीट बेस अलग हो गया और जो आइडियाज़ और चीज़ें हैं वो सब चीज़ें अलग हो गई। वही हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें डिफरेंस है। जैसे कि आप समझते हैं कि अगर किसी को समझना है कि प्लेटो का जो आइडिया है कि स्टेट के अंदर क्या होता है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि आइडियल स्टेट क्या है। तो पहले मतलब आइडियल स्टेट क्या हो गया, पॉलिटिकल फिलॉसफी, और कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्टेट्स क्या हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोनों चीज़ें पहले एक दूसरे से जुड़ी हुई हुआ करती थी, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिविज्म ग्रो हुआ और 19th सेंचुरी में, उसी के साथ जो है पॉजिटिविज्म, मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या है, द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, उसी के साथ जो है एक डिस्टिंक्शन बनाना पड़ा पॉलिटिकल थ्योरी और फिलॉसफी के बीच में। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो ये देखते हैं कि थ्योरी जो है, थ्योरी का मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अब आजकल साइंस का ज़्यादा ग्रोथ हो गया, तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये नहीं सोचते कि थ्योरी का कोई प्लेस है पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर, वो नहीं मानते। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं वो गाइडेड होते हैं बाय एम्पिरिसिज्म, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझेंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थ्योरी के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, हम एक एक पॉइंट समझने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी और उसके बीच में हमको क्या डिफरेंस है वो हम इसमें समझने वाले हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो है डिटर्मिनेटेड होती है, डिटर्मिनेंट होती है, सेल्फ कंटेंट पावर होती है। स्टेट फिलॉसफी के अंदर द थ्योरी हैज़ नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी को अगर आप हटा देते हो तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी एक सेल्फ कंटेंट पावर होती है, उसको आप मतलब वो एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन रूल्स होते हैं, उसका इंडिपेंडेंट पावर भी होता है। इवन दो अगर थ्योरी अराइजेस इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, दे आर नॉट गाइडेड बाय साइंस और इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल थ्योरी रिलाई इंटायरली ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगर थ्योरी जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी की अराइज होती है, अगर थ्योरीज जो है, अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हो, देखो एक चीज़ ये भी है आपको समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। एक बात ये है कि अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल जो थ्योरी है, अगर आप उसको अलग करना चाहो तो आप पूरी तरीके से उसे अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वो बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, तो आप उसको पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ थ्योरीज आती है पॉलिटिकल फिलॉसफी में तो वो साइंस से गाइडेड नहीं होती है, इंफॉर्मेशन से गाइडेड नहीं होती है, वो जो थ्योरी होती है वो उस इंफॉर्मेशन से बेस्ड होती है, और जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, इंटायरली वो चीज़ होती है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूफ हो। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, मतलब अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कहीं भी अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी मतलब कोई भी थ्योरी मिल जाती है तो वो थ्योरी प्रूव्ड नहीं रहेगी। ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी कस्टम ट्रेडिशन वैल्यू पे बेस्ड होती है, और इसी के साथ पार्टीशनशिप मतलब आप किसी एक बोलते हैं ना बायसनेस तरीके से चीज़ों को देखते हो, और पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यू न्यूट्रल होती है, वो किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं होती। 2+2=4 ये अनबायसनेस है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिलीजन कस्टम के बारे में बात कर रहे हो, आप उसके बारे में बायस हो सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी रैशनल ऑब्जेक्टिव होती है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है जब एम्बेडेड थी तो फिलॉसफी में तो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती थी, और इससे जो होती है इसमें जो है मिस्ट्री और डिल्यूजन का कोई प्लेस नहीं होता पॉलिटिकल थ्योरी में। जब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है फिलॉसफी के अंदर थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती थी। क्या रोल प्ले करती थी, इस्टेब्लिश बिलीव करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल फोकस क्या होता है पॉलिटिकल फिलॉसफी का, फिलॉसफी करना, ठीक है। फंडामेंटल फोकस बाकी अगर आप बात करें पॉलिटिकल थ्योरी का,
तो क्या होता है, पॉलिटिक्स इज इंडोर्ड विद इट्स यूनिक पोजिशन, मतलब पॉलिटिक्स होता है किसके अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। अब वो डेटेड एनालिसिस हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी और पॉलिटिकल थ्योरी तीन ग्राउंड पे, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस, सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंस और वैलिडिटी में डिफरेंस। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज कंप्लीट होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग। हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे 2.3 से। इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू कैन डू इट, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर गेटिंग द नोट्स, द स्पेसिफिक नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।